हेलो गाइस स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द आयशर। यार बहुत सारे बच्चों की, पेरेंट्स की मेरे पास क्वारी आती है कि भैया जो है वीडियो प्रॉपरली डाला करो। सो यार जस्ट मेरे पास बहुत सारा काम होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, अदर इश्यूज होता है, अभी कोचिंग भी चल रही है, उसको डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक बैंकिंग है, फाइनेंस है, इनकम टैक्स इंडिया का बहुत बुरा डिपार्टमेंट है, तो और जस्ट मैनेजर्स है, टीचर्स है, बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है। सो जस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि जस्ट रात को मैं 3-3 बजे भी वीडियो डालता हूँ, तो जस्ट यार सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, इतना मैं करता हूँ। और मेरे को बेसिकली इससे कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन आई प्रोवाइड फ्री इंफॉर्मेशन बिकॉज और कोई डालता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई बेचारा, अगर कोई गाँव के अंदर बच्चा बैठा है, उसको कुछ ना कुछ फायदा हो सके। अगर 1,000 लोग भी अगर वीडियो को वॉच करते हैं और उनका कुछ अगर फायदा होता है, देन आई फील वेरी नाइस। ठीक है, तो चलिए आज आपको बता देते हैं आयशर के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, कितने साल जो होते थे सन 2000 जो भी है, अभी 2022 चल रहा है ना, तो 2022 से पहले तक, या सन 2022 से पहले तक इंडिया के जितने भी स्टेट है वहां पे सिर्फ टॉप 20% बच्चों को ही लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है सन 2022 के अंदर 2021 तक टॉप 20% बच्चों को ही लिया जाता था, हर स्टेट से और हर यूटी से और हर बोर्ड से, जैसे अभी आप समझते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस बार जो क्राइटेरिया है वो 60% रख दिया गया है, यानी कि जो भी बच्चे 12th पास कर रहे हैं उनके अगर 60% मार्क्स है, और जो बच्चे SC ST और PWD कैटेगरी से हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर IAT टेस्ट, यानी कि आयशर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022। इसके अंदर एक बड़ा अपडेट यही था कि 2020 वाले बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए था। ऑलमोस्ट जो है हर स्टेट के अंदर मिल रहा है, हर जो एंट्रेंस एग्जाम हो रही है सब जगह पे मिल रहा है, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे IIST हो, चाहे हमारे IIT जो, NIT जो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो, अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो, प्राइवेट कॉलेज जो, नाइशर हो, CBS मुंबई हो, सब जगह मिल रहा था। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी क्रिएट किया था, लेकिन सम टेक्निकल इश्यूज, वीडियो इज नॉट विजिबल फॉर ऑल, और इसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया आई थिंक, तो दिस इज वेरी बैड, सपोर्ट करना चाहिए था। ओके, लेकिन अब हम बात करते हैं जस्ट लाइक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मैं दिखाया जा रहा था, आई थिंक 4 तारीख से, कि 4 मई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जो है, पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले थे 24 अप्रैल से, देन उसको पोस्टपोन कर दिया गया था टिल 4 मई तक। अब जब 4 मई आई, देन जो है अपडेट आया है आयशर की तरफ से कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल टेक्निकल इश्यू एट द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ पोर्टल ऑफ IAT रजिस्ट्रेशन इज पोस्टपोन एंड न्यू डेट विल बी अनाउंस्ड बाय द नेक्स्ट वीक। यानी कि यार जस्ट अभी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है, जो भी सर्वर वगैरह का इश्यू है तो जस्ट ओपन नहीं हो सका, कुछ जो भी इश्यू हो, तो जस्ट इसका जो न्यू जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाएगा। यानी कि अभी जो है मई का फर्स्ट वीक चल रहा है, अगर सेकेंड वीक की अगर अपन बात करें तो 12 से 13-14 मई आप मान के चल सकते हो, 12 से 13-14 मई तक जो है आपके रजिस्ट्रेशन ओपनली फुली स्टार्ट हो जाएंगे। अब अपन बेसिकली मान लेते हैं, जान लेते हैं एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। यार आप लोग जो है जेई मेन वगैरह में देखते होंगे कि पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद में आपको जस्ट आपका जो मार्क्स आता है देना, आप काउंसलिंग करते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बिल्कुल। इसके अंदर जो है आपको जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, जैसे इधर से देख लो आप, जैसे पुणे है, मोहाली है, कोलकाता है, तिरुवनंतपुरम है, तिरुपति है, भोपाल है, बेरमपुर है, तो जो है आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहीं पे जो है आपके पास 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। पहले जो ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा, सबसे पहले जिसके स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन, वो होगा IAT। IAT टेस्ट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 का आई थिंक जो है पे करना पड़ेगा, एंड जो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं पता, अब यार सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यही है कि आपको जस्ट आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी टाइम पे जो है आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पिछले साल जो है एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये आया था स्टूडेंट्स का कि बहुत सारे बच्चों ने जो है आयशर बेरमपुर सेलेक्ट कर दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस में, और वो बच्चा जो है बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, यानी कि वो जो है आई थिंक थर्ड फर्स्ट सेकेंड टॉपर था,
ठीक है, तो जस्ट यार उसको आईसर पुणे मिल सकता था, आईसर पुणे इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट, आईसर मोहाली मिल सकता था, आईसर कोलकाता मिल सकता था। तो ऐसे यार बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी जिनके 160 मार्क्स थे, 162 मार्क्स थे, 159, 150 मार्क्स थे, कि भैया हमने जो है गलती से पहले आईसर बेरमपुर सेलेक्ट कर दिया था या फिर आईसर तिरुपति, आईसर तिरुवनंतपुरम कर लिया था, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, हमें मोहाली पुणे लेना है, अब हम क्या करें। तो उसके बाद जो है उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था और उन्होंने जो सेलेक्ट किया उसी के अंदर एडमिशन लेना पड़ा। तो यार आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल ठीक से फिल करें, जस्ट लाइक पुणे इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक भोपाल इज वेरी गुड, देन मोहाली इज वेरी गुड, तो इस प्रकार से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा सीन होता है, जस्ट अपन इसके आगे बढ़े, देन जो है आपके राउंड चलते हैं, इसके भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं आयसर के, देन लास्ट में जो स्पोर्ट राउंड होता है, लेकिन जो है स्पेशली इसके अंदर आपको जो है चॉइसेस सिर्फ एक बार ही फिल करनी है, देन इसमें काउंसलिंग वगैरह का कुछ भी झंझट नहीं है, लास्ट तक अपनी आप ही ये डालता रहेगा कि इसका इस राउंड में हुआ एडमिशन, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ, इसका नहीं हुआ, बस लास्ट तक अपने आप खत्म, इसमें कुछ भी आपको कहीं भी फिल करने की जरूरत तो नहीं है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है देन आपको फीस पे करनी है इंस्टीट्यूट को और जस्ट अपनी सीट ले लेनी है एंड जस्ट यू कैन एनरोल नाउ ऑन योर इंस्टीट्यूट। ओके, जस्ट इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, काउंसलिंग वगैरह का कुछ भी झंझट नहीं है, आपका बस एक ही सिंपल फंडा है, पहले आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, देन आपकी ब्रांच प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कि मेरे को किस इंस्टीट्यूट की कौन सी ब्रांच सबसे पहले चाहिए, बस यही है, जो कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं देन उस टाइम ही आपको यह करना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है गाइस। और जस्ट एग्जाम देना है, मार्क्स को फोड़ना है और जस्ट इस बार अगर बता बात करें तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, IAT टेस्ट के अंदर हर साल जो है 22 से 23 हजार बच्चे रजिस्टर करते हैं क्योंकि हर स्टेज से सिर्फ टॉप 20% बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है, तो इस बार जो है बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 50-60 हजार बच्चे अपन एक्सेप्टेड मान के चल रहे हैं कि 50-60 हजार बच्चे अप्लाई करें। सीटों की अगर अपन बात करें तो 1800-1900 सीटें टोटली अवेलेबल है, सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम रहने वाला है, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें, तो खूब प्रिपेयर करिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न हो काउंसलिंग प्रोग्राम एंड अदर के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर योर बेस्ट इंस्टीट्यूट करियर गाइडेंस एंड यो आपके लिए जो भी बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि आप जानकारी ले सकते हैं या फिर आप पेड प्लान भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप हमारी टीम जो आपकी पूरी हेल्प करती है। थैंक यू गाइस, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।